सियासतदान में बन जाता हूं मैं। कल ना तो कल कल एक अपसेट देख रहा हूं, कल एक किसी का भी, किसी का भी हो सकता है किसी का भी हो सकता है। हाँ जी, ये हमारे ग्रुप का पॉइंट टेबल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। अब जी राशि भाई, इंडिया इंडिया खेलेगा, जीत के अगर जीतता है तो इंग्लैंड से वो आ गया, साउथ अफ्रीका अगर लग रहा है चांस कि वो न्यूजीलैंड से खेल रहा है अभी तक इस बस अब डिपेंड करता है कि जिम्बाब्वे अगर इंडिया को हराता है, जो चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि चांसेस बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान को भी हराया हुआ है। पूरा वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे राशिद लतीफ, अजहर महमूद बैठे हैं, लांस क्लूजनर भी हैं, साथ ही साथ एंकर हैं। तो ये बात कर रहे हैं कल जो इम्पोर्टेंट तीन मैच है उसके बारे में, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे, ये छः टीम खेलेंगी। छः टीमों के ऊपर पाकिस्तान डिपेंडेंट है। कैसे? पहला मैच है नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का, अगर इसमें साउथ अफ्रीका हारती है या मैच टाई होता है या मैच होता ही नहीं है, वॉश आउट होता है, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। हालांकि ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान का मैच भी नहीं होगा क्योंकि दोनों मैच एक ही ग्राउंड में है। दूसरा मैच है बांग्लादेश पाकिस्तान, दोनों टीम एक दूसरे को हराएंगी, दोनों को फ़ायदा है आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए। तीसरा मैच है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, अगर इंडिया हारता है तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा आसान होगा, बांग्लादेश के लिए ज़्यादा आसान होगा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट। अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड आर ऑलरेडी थ्रू टू द सेमीफाइनल्स, बट हु विल जॉइन देम? द पॉइंट्स टेबल फर्स्ट अप, आई थिंक वी रियली नीड टू टेक अ गुड लुक। बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई जहाँ जा रहा हूँ मुझे रोक रोक के पूछ रहे हैं कि भाई कैसे जीतेगा पाकिस्तान, तो आई थिंक राशि भाई को हम ये सवाल डायरेक्ट करेंगे। मैं भी राशि भाई आज सियासतदान बन जाता हूं, कैसे जीतेगा पाकिस्तान? सियासतदान में बन जाता हूं मैं। कल ना तो कल एक अपसेट देख रहा हूं, कल एक किसी का भी, किसी का भी हो सकता है किसी का भी हो सकता है। हाँ जी, ये हमारे ग्रुप का पॉइंट टेबल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। अब जी राशि भाई, इंडिया इंडिया खेलेगा, जीत के अगर जीतता है तो इंग्लैंड से वो आ गया, साउथ अफ्रीका अगर लग रहा है चांस कि वो न्यूजीलैंड से खेल रहा है अभी तक इस बस अब डिपेंड करता है कि जिम्बाब्वे अगर इंडिया को हराता है, जो चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि चांसेस बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान को भी हराया हुआ है, लेकिन नीदरलैंड का हराना साउथ अफ्रीका के डिफिकल्ट है, थोड़ा बारिश का करते हैं तो हमारा मैच भी गया बारिश में जी, तो ये भी इशू है। एक पहले वाले में हो जाना, दूसरे वाले में ना हो डिमांड पे मांग रहे लेकिन एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है इसमें। क्या सर? क्वालिफायर में नहीं जाएंगे हम। यह देखिए, क्वालिफायर का ये है कि चार टीम तो हैं और दो होम टीम होगी, न्यूजीलैंड, वो वेस्ट इंडीज और कौन थी, अमेरिका होगी, अमेरिका, और दो टीम वो प्री क्वालिफाई करेंगी जो कि रैंकिंग में उस वक्त 14 तारीख के बाद सातवें आठवें पे हैं, बाकी क्वालिफाई कर गए, तो नंबर वन नंबर टू जो होंगी ना, बाकी जो होंगी ना बाकियों के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होंगी, तो पाकिस्तान उसमें से भी है। दोबारा से समझ लूं कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर नेदरलैंड जीत जाए? नहीं, पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं हम अभी, पाकिस्तान बांग्लादेश या बारिश हो जाए, या बारिश हो जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में पाकिस्तान, लेकिन हमें जीतना बहुत जरूरी है ना, ये ना हो कि लोग इतनी दुआ करते हैं वो हार जाए। हम तो जीत गए ना, जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं हम जीते हुए हैं, हम उस हिसाब से बात करें, और इंडिया जिम्बाब्वे के मैच में जिम्बाब्वे जीत जाए तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। मेरा ख्याल है दुआओं के अलावा अब ये थोड़ी सी मजीद जरा जोर लगाना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो, उसके बाद हम अपना मैच जीते, फिर जिम्बाब्वे इंडिया से। लोगों से बोल रहे पाकिस्तान का मैच पहले होने दें, उसके बाद दुआएं करें। सर पहले भी है ना एक मैच, तो दुआएं अभी शुरू करेंगे रात में तो पहुंच जाएंगे। इतना अहम मैच आखिर वाला है। आई थिंक दैट्स व्हाट द पॉसिबिलिटी इज फॉर पाकिस्तान। वेल ऑब्वियसली द कंडीशंस लुक अ लिटिल ब्लीक फॉर पाकिस्तान ओवर हियर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एंड फॉर द टीम्स हु हैव बीन पुटिंग इन द परफॉर्मेंस दे ट्रूली डिजर्व टू मेक इट टू द सेमीज। लेट्स टेक अ गुड लुक एट व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। वेल इन फैक्ट इन अ फ्यू आवर्स लेडीज एंड जेंटलमैन इज गोइंग टू बी अ ट्रिपल हेडर, फर्स्ट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, which means we will be in the studios at 3 AM live on Game On Air. Make sure to tune in, it's a weekend, and yeah, I think we have all the pretty faces over here inside the studios you've been following all throughout the World Cup. So first up, Cass, it's going to be
Netherlands don't need any motivation to beat South Africa. They'll want to end the competition on a high. So for Pakistan to keep their hopes alive, they'll be hoping for Netherlands to slip South Africa up. That's a 5 a.m. start. We're hoping Themba Bavuma just continues his red-hot form so South Africa do get into the semi-final. That's from a South African point of view. That's at 5 a.m. It's happening in Adelaide. And then, of course, the 9 a.m. game. I'm leaving it to you. You have to beat Bangladesh. 9 a.m., ladies and gentlemen, is going to be Pakistan. The Shaheens were versus the Bengali Tigers, ladies and gentlemen, and we are hoping that Pakistan will definitely seal another victory, at least, you know, giving us more space to pray more and more, you know, because if Pakistan is going to win, only then Pakistanis will be praying quite a lot. Yeah, Babar Azam and yes, Shakib Ul Hasan will be taking on each other in Adelaide once again. I think it's a 9 a.m. game in the morning, and at 1 p.m., ladies and gentlemen, it's going to be India versus Zimbabwe. Do you want to do this one? Yeah, India against Zimbabwe. Zimbabwe will be disappointed. I mean, they've put together a couple of performances they'd be proud of, but it hasn't quite gone their way. We saw today Sri Lanka had not much to play for, and they really put in a good performance, not as well as they would have liked to play. But India, no doubt, favourites in this game. They win, they go top of the table, and then a tantalising semi-final, India against England potentially, and then New Zealand versus I wonder who. I don't want to say South Africa. I think all we need to do is just wait another day, and you know, we will have a clearer picture. But you know, this is very interesting, because right at the beginning of the World Cup, we thought that, you know, okay, the teams have qualified already in our minds, but the competition was real tough. Even till day, ladies and gentlemen, we cannot tell you that who the semi-finalists will be. But that's the question which I'll be posing to our experts over here. First up, Lance Bhai, your teams for tomorrow. South Africa, easy. Victory tomorrow. Okay. Unfortunately, no, for some. South Africa then? I'm going with green in the next green, game. Pakistan or Bangladesh? Green. Pakistan, definitely. Stop taunting us. Okay. And towards the end? Also blue. Blue India. Blue India. All right. Azabai, what about you? Since there's no New Zealand, no England, you know. मेरी तो पहले से दिन से साउथ अफ्रीका टीम थी मैंने पहले दिन से कहा सो साउथ अफ्रीका यस पाकिस्तान पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे एंड जिम्बाब्वे लुक एट दैट यस बिकॉज़ मेलबर्न ओके एंड दे गॉट अ थ्री बॉलर बाउंस एंड पेस यू नेवर नो आई मीन यू लिव इन अ कंट्री वेयर यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेशनलिटीज यू नो दे इन्होंने होप लगाई सिकंदर रजा से जी ठीक है ना सिकंदर रजा से जी राशिद भाई आप किसे उम्मीद लगाएंगे ब्लू एंड ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन सर ग्रीन में जरा थोड़ा सा साउथ अफ्रीका बस ठीक है ना ग्रीन पाकिस्तान इतना मार्जिन तो दो ना मुझे एंड इंडिया नहीं वो ग्रीन ट्राउजर या रेड शर्ट कैस व्हाट अबाउट यू इट्स गोना बी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान एंड इंडिया साउथ अफ्रीका पाकिस्तान एंड इंडिया एंड यू शज़ाद Yeah, I think I'll be close to reality. It's going to be South Africa, Pakistan and India. I'm very sorry, but I have to say that. I mean, obviously for the teams who've given in that effort, they've given their 100%, they were on top of their game, they truly deserve to be in the semi. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से राशिद लतीफ रिएक्शन दे रहे थे कि जो मैच है वो कोई भी टीम जीत सकती है. ऑब्वियसली जिम्बाब्वे ने भारत को पास्ट में हराया हुआ है और पाकिस्तान को हाल में ही हराया हुआ है. लेकिन यार मैंने एक चीज़ देखा है, जिम्बाब्वे कभी भी कंटिन्यूसली अच्छा नहीं खेलती है. नीदरलैंड से वो बहुत गंदा हारे. नीदरलैंड को उनको हराना चाहिए था. अगर वो हरा देते तो ये मैच जिम्बाब्वे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता. हालांकि अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो चार टीम है, इंडिया का सेमीफाइनल होने वाला है इंग्लैंड से, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होने वाला है न्यूजीलैंड से. अगर कल कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, अगर बारिश भी होती है तो पाकिस्तान का मैच भी वॉश आउट होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका और जो पाकिस्तान और जो चारों टीमें हैं वो एक ही ग्राउंड पर खेल रही हैं. पहले नीदरलैंड खेलेगी, फिर उसी ग्राउंड पर पाकिस्तान खेलेगी. इंडिया का मैच अगर वॉश आउट होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर इंडिया ऑलरेडी 6 पर है, 7 पर पहुंच जाएगा. साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 7 पर है, 8 पर पहुंच जाएगा. तो सिचुएशन वैसी, इंडिया नंबर 2 रहेगा पॉइंट में, नंबर 1 साउथ अफ्रीका रहेगा. तो सिचुएशन वैसी ही कुछ रहेगी, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं. और इंडिया अपना मैच जीता, साउथ अफ्रीका अपना मैच जीता, बाकी बांग्लादेश पाकिस्तान जो भी हो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीधा. तो 10 को इंडिया का रहेगा, 13 को फाइनल. फिर आप समझ जाओ, वहाँ से मुझे लग रहा है कि यार इंग्लैंड ही सही टीम थी मेरे हिसाब से. न्यूजीलैंड से ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली एक
प्रेशर है, क्योंकि न्यूजीलैंड हमें एक तो T20 का 50 ओवर का वो मैच आपको याद होगा, बहुत कम टोटल था, हम नहीं चेस कर पाए, बारिश, ओवरकास्ट कंडीशन, हमारे टॉप ऑर्डर फेल हुए, MS धोनी 7वें नंबर पर आते हैं और उनको इतना नीचे भेजा गया। काश वो उस दिन जिस जगह पर दिनेश कार्तिक आए थे उस दिन MS धोनी आ जाते तो इंडिया शायद वो मैच जीत जाता। आपको याद होगा ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या कितना गलत शॉट खेलकर उस मैच में आउट हुए थे। तो दोस्तों सीरियसली न्यूजीलैंड बहुत अच्छा हुआ हमें नहीं फंसी। इंग्लैंड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग टीम है, बट इंग्लैंड को हम इस साल, आपको याद होगा हमने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को T20s में हराया था और यहाँ पर हमने इंडिया में भी हराया था, तो ये एक हमारे पास एडवांटेज रहा है। तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड अच्छी है, फाइनल पहुँचने में कोई भी टीम मिले तो फिर तो आपको खेलना ही है, सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड अच्छी है। और ऑस्ट्रेलिया भी ठीक नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो ऑब्वियसली सेमीफाइनल फाइनल में किसी को ना ही फंसे तो अच्छा है। हालांकि इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का अभी जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, लास्ट टाइम हम भिड़े थे 2015 में, आपको याद होगा 50 ओवर के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया में ही था वो और हम हार गए थे। तो मैं भी चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ना ही फंसे, मैं आज उम्मीद कर रहा था श्रीलंका ना जीते और वैसा ही हुआ, और अच्छा हुआ कि इंग्लैंड से हमारा है। अब इंग्लैंड से जो होगा तो देखा जाएगा, बट जो रिकॉर्ड बोलते हैं यार, ऑब्वियसली इंग्लैंड को हम हराते हुए आए, बट ये बात भी सही कि इंग्लैंड की सबसे स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, सबसे तेज बॉलर इंग्लैंड में मार्क वुड, तो इंग्लैंड भी कोई आसान टीम नहीं है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगले